हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू फ्रेश ब्लॉग। अभी देखिए दिन में तो थोड़ा सा फॉग है, लेकिन निकलना पड़ेगा। 6:50 का टाइम हो चुका है ऑलरेडी। कल और परसों की 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो फिलहाल इसको छोड़ना है। और बच्चा जो है यहाँ पे पैर छूता हुआ है, माँ के लिफ्ट आ गई है। चलिए जल्दी आओ, लिफ्ट आ गई। और गाइस देखो, सवेरे सवेरे ना सोया सोया लग रहा है अभी भी, मतलब लिफ्ट में चलता हुआ सो रहा है। क्यों बेटा, नींद नहीं हुई पूरी? मेरे लड्डू। और गाइस ये 12 बजे तक जागता है और डायन आ जाती है रात में, और फिर उसके साथ खेलता है। चल, कसम मौसम जो है वो फॉगी फॉगी हो रखा है। और अभी तो बस नहीं गई हुई होगी। वत्सल, आज तो चील आ रही है आसमान में, पता नहीं कहाँ से। गाइस फिलहाल ना वत्सल को छोड़ दिया है, लेकिन उसके ना दोनों हाथ के नेल कट करने थे, जिनमें से गलती से एक हाथ रह गया, क्योंकि बस ही आ गई, जल्दी से बस आ गई, तो बेचारा एक हाथ से गया और मन थोड़ा सा ना अपसेट करके लेके गया है। फिलहाल राधिका आएगी ऊपर से, अभी वॉक करना शुरू कर रहा हूँ, तो फिर हम दोनों साथ में वॉक करेंगे, तब तक मैं अकेले वॉक करता हूँ। गाइस फाइनली राधिका आ गई है, अब हम लोग दोनों जो हैं मिलके करेंगे यहाँ पे मॉर्निंग डांस। डांस नहीं होगा, मॉर्निंग वॉक हो गया है शुरू, तो मैडम भी आ गई है, मैं भी हूँ ऑलरेडी, और अब जम के होगा यहाँ पे। ये देखो गाइस, और बताओ सवेरे सवेरे वाली फीलिंग कैसी है आपकी? अच्छी है, चलो उधर से। नहीं भाई, इतने में बस बच्चों की बसें बहुत चल रही हैं, ऐसे में नहीं जाना यार, अच्छा लगता है। हाँ लगता तो है, बट फिर भी पार्क से आ रही थी, पैदल जा सकते हैं। तो गाइस इन्होंने लंबा प्रोग्राम बना लिया है, फिलहाल अभी नहीं जाना हो पाएगा, अभी यहीं वॉक कर लेते हैं। तो गाइस 8:15 बजने वाले हैं, और अभी घर में जो बन रहा है ब्रेकफास्ट बन रहा है, और ब्रेकफास्ट में देख लीजिए क्या है, बहुत ही खूबसूरत पराठे बनेंगे आज भी। और हमें क्यों ना, हमें भी चाहिए, हमें क्यों नहीं मिलेंगे? तो गाइस ये तो गलत बात है ना, मुझे क्यों नहीं देंगे? अकेले खा लोगे? ओनली सलाद। आप खा लो भैया सलाद, सलाद चाहिए तो हमें ढंग में चाहिए। कहाँ से देगी सलाद बना के? सलाद का कुछ है तो है नहीं तुम्हारे घर पे? आलू प्याज सब है, ये तुम खाओ भैया, हम तो यही खाएंगे जो तो बन रहा है। मम्मी जो भी बना रही है मुझे भी दे देना, दो दो देना, मेरा एक में पेट नहीं भरता ना, मुझे को बहुत प्यास लगे, बहुत भूख लगे रे भैया। नमक वमक तो मैं कम चला लूंगा, लेकिन मुझे को दे देना, मेरा तो मुंह ही एक पराठे जितना, तो एक तो मैं एक बार में खा लूं। तो गाइस यहां बन रहे हैं पराठे, और अभी चाय बनेगी, थोड़ी देर बाद बनने के बाद हम खाएंगे। तो गाइस 9:20 हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं। संस्कृति को छोड़ूंगा पहले स्कूल, और उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। आज मुझे इसने ना देर करवा दी लिटरली, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं सोच रहा था मंडे है, मंडे इसका एग्जाम है, बट वो लास्ट एग्जाम है, और वो एग्जाम तो इसका नॉर्मल है, कंप्यूटर का है। चलो बेटा फटाफट निकलते हैं। गाइस इसके चक्कर में ना मैंने सच यकीन करो मैंने ना दाढ़ी तक नहीं बनाई, कि क्योंकि दाढ़ी नहीं बनी मेरी आज, लिटरली मैंने इसलिए नहीं बनाई। यार ये बताओ, एक तो लेट कर रहे हो, ऊपर से आप ब्लॉक कर रही हूँ, जल्दी। हाँ बिल्कुल, नहीं मिलता है इसे पढ़ने का, तो एक रात पहले ही पढ़ती हूँ, आपको तो पता होगा पढ़ती का हूँ। हाँ गाइस ये लास्ट नाइट का फीवर चढ़ता है इसको बस। हाँ तो बस इतना ही फीवर चढ़ाना चाहिए आप लोगों को, ज्यादा मत चढ़ाया करो। देखो ये 9th ही तो है, 9th हो या 10th हो या ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, सिर्फ 2 घंटे पहले पढ़ो संस्कृत की तरह। सिर्फ 2 घंटे पहले पढ़िए, बस पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, तो ज्यादा नंबर ला के भी क्या करना है। ऐसा नहीं है यार, पढ़ लिया करो पहले, ठीक है? और अगर आपके घर में भी ऐसे पापा हैं जो आपको हमेशा लेट कराते रहते हैं, तो लाइक उसके वजह से हम हमेशा लेट हो जाते हैं। आप नहाने में भी 10 घंटे लगाते हो। 10-10 पे इसका एग्जाम है, 10-10 पे एग्जाम है, लेट तो मैं अपने ऑफिस हो गया। तुम्हारे यहाँ थोड़ी और लेट हो रहे हैं, 10-10 पे यार, 10 बजे बैठा देते हैं वो लोग, ऐसे एकदम से घुसते ही बैठा देते हैं। हाँ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना, 9:40 तक छोड़ दूंगा। इतना धीरे क्यों चलाओगे, 4 मिनट में पहुंचा। आगे देखो ना कितना ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, क्या करूं, इनके ऊपर चढ़ा दूं? आप रॉन्ग साइड से ले लो फटाफट। क्यों, हम राइट साइड से जाएंगे, हमने सड़क के नियम पढ़े हुए हैं। साइकिल भी हमसे तेज चली जाती है, मैं क्या बताऊं। गाइस पैदल देखो, वो आंटी भी पैदल जा रही है, वो पहले पैदल, वो पैदल हमसे पहले पहुंच जाए, पहले आ चुकी है वो, और कितनी आएंगी। वेलकम के लिए पहले से टीम खड़ी की हुई है इन्होंने, तो संस्कृति जा रही है एग्जाम देने आ रही है, तो आज कुछ नया स्पेशल है, कोई गेस्ट आ रहे हैं शायद, अच्छा अच्छा फेयरवेल कर रहे हैं, तो आज फेयरवेल दिया जा रहा है इनके किसी टीचर को। हम सड़क पे खड़े हैं, बीच बिल, बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, तो मेरी गाड़ी ठुकवाएगी, जल्दी कर बेटा बाय। संस्कृति को स्कूल छोड़ के अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। 7:30 बज चुके हैं और ये दोनों बच्चे यहाँ पे खेलते हुए पकड़े गए हैं। बेटा प्लांट में मत मारो, प्लांट में मत मारो। क्या मैगी ली आज? हाँ जी। चलो बेटा आराम से लेके चलो, अपनी बॉल को हाथ में उठाओ दोनों, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो बेटा, बॉल को उठा लो, किसी को लग जाएगी। चलो चलो क्या हुआ, देखा मैंने कहा था ना लग जाएगी किसी को, अभी लग जाती।
अगर लग जाती जबी मतलब मानते कि लगी है। तो गाइस 8:30 बज चुके हैं अभी। देखो घर में जो है डिनर बन रहा है। वैसे सरसों का साग बनाया मैडम ने, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है गाइस। इस बच्चे का फेवरेट नहीं है शायद। संस्कृति आपको पसंद है, मेरी स्वेटर क्यों पहन लिया तुमने? अब ये तुम्हारा हो गया गाइस। इसने पता क्या कर रखा है, आजकल मेरे कपड़ों पे ना कब्जा कर लिया है, लिटरली बता रहा हूँ। परसों ही मेरा स्वेटशर्ट पहने घूम रही थी, है ना, और आज ये मेरा ये स्वेटर पहन लिया। देख लो, मम्मी के भी कर लिया, अब मैं अपने ये मम्मी के भी। और अपने कपड़े किसी को नहीं देती गाइस, आते ही नहीं है किसी को, देगी भी कैसे? ये देखो पजामा पहन के मम्मी का बैठा हुआ है। बेटा अपने कपड़े कब पहनोगी, किस लिए जमा करके रखे हुए हो? दान कर देगी अपने कपड़े, बहुत बड़ी दान हुई। और ये देखो मखाने खिला रहा है कोको को। बेटा तुम मखाने दान कर रहे हो? मैं खा तो रही हूं। हमें दे देते? आप तो गरीब हो। आप गरीब कब से हो गई? हाँ, ये तो दूसरों कपड़े पहनती है। बेटा वो इतनी गरीब नहीं है, वो प्राइड में भी पहनती है। उसको अपने आदर्श बनाने, जिसकी टी शर्ट पहनो उसी के गुण आते हैं। हाँ तो पापा जैसी बनना चाहती है बेटा, मेरे को लगी। और मम्मी जैसी भी, पापा मेरे चाल में मम्मी जैसी, थिंकिंग में पापा जैसी, पजामा पहना ना कॉमन बना रखा दोनों ने। अच्छा हाँ दिखा। तो गाइज इसको ना आज यहाँ पे देखो गर्दन पे कहाँ की चोट, हाँ ये थोड़ी सी फुंसी टाइप की जो है इस चोट को कह रहा है। मैंने हाथ नहीं लगाया, दिखाया है दूर से। मम्मी एप्पल दे दो माकू, माकू भी देगी कुछ? माकू ना देवे मम्मी, मेरी माँ थोड़ी है। हाँ मेरी तो, अरे मैया कितनी क्यूट मम्मी मेरी। गाइस ये देखिए सरसों का साग, और यहाँ पे दूध भी उबल रहा है, और अभी जो है खाना बनेगा। मैडम जो है रोटी बना के, सर किसकी मक्की की रोटी बना रही है या बाजरे की बना रही हो आज? हाँ मंगा लो। तो देखो गाइस हम किसी के घर से भी मंगा ले हैं बाजरे का आटा, खरीद के। अच्छा मक्के का मंगाना, सिर्फ मक्के का मंगाना, बाजरे का मंगाऊंगी यार, भारी होता है रात में तो कड़वा कड़वा सा लगता है थोड़ा सा हमें। नहीं मक्के के मिल जाए तो मक्के का, हाँ अगर बाजरे का ना मिले तो मक्का का जरूर मंगा लेना। तुम नंगे क्यों हो ये बताओ? तो माँ को बहुत शर्म आ रही है जब से मेरे लत्ता खींचे हैं बदन पे से। माँ को इतनी इतनी इज्जत दे रहे हैं पापा ये लोग, माँ को बहुत शर्म आ रही है, मैं कैसे करूँ पापा? तो भैया मेरे ऊपर काहे को चढ़ रहा है, क्या हुआ तुझे, क्यों इतनी इज्जत बेइज्जती लग रही है? मुझे छुपा लो अपनी गोद में कहीं को, मुझे पैंट में कोई घुसा लो पापा, मैं कैसे करूँ? ये लोग मेरे चूतर देख देख के हंस रहे हैं जब से, माँ को इतनी लज्जा आ रही है, मैं कहा बताऊँ पापा? बेटा ये गंदे गंदे शब्द कौन से खा रहा है तुझे? ढूंगे में लग गई, अभी टूट जाता मेरा ढूंगा, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा तुमको। राधिका ये बताओ आटे की बात हो गई है? बबलू भैया कह रहे मैं आटा ले आता हूं, लेकिन मैं इस तरफ कुछ देता हूं और इस तरफ तुम्हारी सोसाइटी में आऊंगा, मैं उधर नहीं कह रहा, सुगला दूंगा मैं इनकी साग तो बनाया। अब खा रहे हैं साग तो हम, तुम ले आ जाओ उसको। मेरे बस की ना भाई, वो तो बंद कर देता है 8:30। बस तो और पैसा नहीं, और रुपए तो जोर। कोई बात नहीं, आप गेहूं की रोटी बना लो, ऐसी कोई बात नहीं है गाइस, किसी पे एहसान की बात नहीं है। बबलू भैया बहुत अच्छे हैं, वो होते तो जरूर आ जाता आटा, ये मुझे मालूम है। तो फिलहाल क्या हो रहा है कि बच्चे जो है, पता नहीं संस्कृति क्यों डांट रही है इसे, क्यों डांट रही है मेरे लाल को? तुम्हारा जूता ले रहा है तो मतलब क्या खा लिया उसने जूता? हाँ, खा लिया। अरे वो पास में मुंह रखने के लिए लेता है। ओ बेटा खींच लिया गया, पतली गली से निकाल लिया गया मेरा डोगी। आई मैं बच्चा, एक क्यूटी बच्चा, पापा बचा लो यहाँ से मुझको, ये मेरा गला घोटने वाली है, मुझको पता है ऐसी कौन है पिक्चर में, मुझको खूब पता है पापा, देख देख पापा ये मेरे गले को पकड़ रही है, कैसे बन रही है जैसे मुझको पता ना। हाँ अब ये पता है मुझको खुजड़ू खुजड़ू करके नींद ला देगी, पहले मैं बेहोश हो जाऊंगा, अभी मेरा क्राइम पेट्रोल बना देगी। जान है घर की कैसी? अच्छा मैं सब जानू, मेरी प्रॉपर्टी हत्या का इरादा होगा तेरा? प्रॉपर्टी कौन सी है तेरी? ओके जिस पे मैं सोता हूं वो तुम्हारा कहां से हो गया? ए चल झूठी, मेरे कपड़ों पे भी अधिकार? हाँ मुझको पता, मैं अगली सर्दी में कहां से आऊंगा फिर? अगली सर्दी में लड़कों का अधिकार होता है ना प्रॉपर्टी पे, इसलिए जान पूछ के मुझको गुड़िया कह रहा है। गुड़िया इसलिए कह रही, फीमेल हूं मैं, विदाई ना लूं यहां से इस घर से, कभी सोच रही है दुल्हन बना के मुझको विदा कर देगी, कोई दूल्हा राजा आएगा। गाइस सबको प्लेट में मिली होगी मैगी, और मुझे देखो कैसे भगोने में देके गई हैं। बताओ मतलब भगोने में कोई खाता है? अब मुझे भगोने में देगी, मैं तो भगोने में खा लूँगा गाइस, क्या करूँगा, खानी पड़ेगी भैया, मुंह बनाएगी नहीं तो। देखो खुद वहाँ पे प्लेट में खा रही है गाइस, देख लो। अरे पता नहीं कैसी मैगी बनाएंगे पापा, कैसी मैगी बनाएंगे, इतनी डिलीशियस है गाइस, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत डिलीशियस है, मुझे मतलब बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त। तो गाइस टाइम हुआ है 11:30 का, और अभी मैं वीडियो एडिट करूंगा, बच्चे तो उधर खेल रहे हैं बाहर की साइड। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करूंगा, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलने वाला एक नए फ्रेश व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।